नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि खरकाटे और आप देख रहे हैं मैकेनिक ज्ञान चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ट्रक इंजन पिस्टन मैन्युफैक्चरिंग के बारे में। मैं आज की इस वीडियो में पिस्टन कैसा मैन्युफैक्चर होता है पूरी डिटेल के साथ में पूरी कंप्लीट बताऊंगा और दिखाऊंगा भी। सो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक के वॉच करना। एक्चुअल में पिस्टन कैसा बनता है आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है। सो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पिस्टन मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए सबसे पहले तो क्या है, एल्युमिनियम के मटेरियल को इकट्ठा किया जाता है, जो स्क्रैप होता है उसको। उसके बाद में ये रहा भट्टी, इस भट्टी में उस एल्युमिनियम मटेरियल को डाला जाता है और डालने के बाद में इसको एकदम गर्म करके पिघलाया जाता है और ऊपर का जो गंदा मटेरियल होता है उसको बाहर फेंक दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद देख सकते हैं ये पिस्टन का साचा है। ये इसमें उस लिक्विड को डाला जाता है जो एल्युमिनियम का लिक्विड बनाया है ना, ये देखिए, इस लिक्विड को इस साचे के अंदर में डाला जाता है। साचा देख लीजिए। उसके बाद में इसको क्या करेंगे, एक रॉड से पूरी तरह अच्छी तरह से इसको फिल कर लेंगे और फिल करने के बाद में कुछ देर बाद, मतलब 10 मिनट बाद, ये एकदम ठंडा हो जाएगा। ठंडा होने के बाद में इस साचे को ओपन कर लेंगे और ओपन करने के बाद दोस्तों इस पिस्टन को बाहर निकाल लेंगे। लेकिन दोस्तों, आपको एक चीज ध्यान रखना है, मैं आज की इस वीडियो में एकदम पूरा हिंदी में शुद्ध शुद्ध आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो देख सकते हैं ये साचे से पिस्टन बाहर आ गया है। अब इसका जो ऊपर का भाग है, जो पिस्टन के बीच में सेंटर में रखता है, वो 3-4 पीस होते हैं, ये इसको अलग कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों इसको क्या करते हैं, गर्म पानी में इस पिस्टन को डुबाया जाता है। लेकिन दोस्तों, पानी का जो टेम्परेचर है वो 90 डिग्री सेल्सियस से 120 डिग्री सेल्सियस के समथिंग बीच में इतना गर्म होता है। फिर से एक बार आप देख लीजिए, मैं थोड़ा सा वीडियो को जूम कर देता हूँ और आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से पिस्टन को मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। इसके बाद का प्रोसेस मैं आगे अभी बताने वाला हूँ। इसको पानी में डालने के बाद में इसको ठंडा करके बाहर निकाल देते हैं। उसके बाद का जो प्रोसेस होता है दोस्तों, ये होता है लेथ मशीन का। अब लेथ मशीन में इस पिस्टन को बांधा जाता है। बांधने के बाद में जो हल्की एमरी रहती है, जो साचे से निकालने के बाद में हल्की एमरी रहती है, उसको फिनिश किया जाता है। उसके बाद दोस्तों पिस्टन रिंग का गाला कट किया जाता है, जिसमें ऑयल रिंग, टॉप रिंग, कंप्रेसर रिंग, ये सारे रिंग के गाले को कट किया जाता है। तो जैसे कि कट हो चुका है, अब देखते हैं इसके बाद का जो नेक्स्ट प्रोसेस क्या है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे दोस्तों, जो गजन पिन जिस जगह पे लगता है पिस्टन का जगह, उस गजन पिन के जगह को क्लियर किया जाता है, मतलब उस होल को एकदम साफ किया जाता है ताकि गजन पिन एकदम 0-0 अंदर बाहर हो सके। ठीक है, तो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से पिस्टन का गजन पिन का होल को क्लियर किया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद का जो प्रोसेस होगा मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। ठीक है, अब इसके बाद का जो प्रोसेस है चलिए हम आगे बताते हैं। नेक्स्ट जो काम है वो है ड्रिल मशीन का। तो ड्रिल मशीन का क्या काम है चलिए मैं आपको बताता हूँ। आपने पिस्टन में देखा होगा ऑयल रिंग के गाले में छोटे छोटे होल रहते हैं। ठीक है, ऑयल रिंग के गाले में किसी पिस्टन में 4 रहता है तो किसी में 6 रहता है या फिर किसी में 2 रहता है। तो वो ऑयल रिंग का जो गाला रहता है, उस ऑयल रिंग के गाले में छोटे छोटे सुराख करने होते हैं, जो कि ड्रिल से किया जाता है। तो देख सकते हैं ये सुराख करने का भी प्रोसेस पूरा हो चुका है। उसके बाद दोस्तों फिर से इसको लेथ में चढ़ाया जाता है और लेथ में चढ़ाने के बाद दोस्तों अब इस पिस्टन को फिनिशिंग करना रहता है, जो चमक। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं इसको भी किस प्रकार से फिनिशिंग किया जाता है। तो देख सकते हैं एक ब्रश के माध्यम से इस पिस्टन के ऊपर फिनिशिंग लाया जा रहा है। यहाँ आप लाइव देख सकते हैं हर एक पिस्टन को कुछ इसी प्रकार से फिनिशिंग किया जाता है। अब फिनिशिंग होने के बाद में पिस्टन किस प्रकार से देखता है आप देख सकते हैं दोस्तों। पिस्टन दोस्तों अब कंप्लीट हो चुका है। जो मैन्युफैक्चरिंग प्रक्रिया है हमने इस वीडियो में आपको एकदम हिंदी में समझाने की कोशिश किया है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में मिलते हैं।